गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। जैसा कि मैं एग्रीकल्चर जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, तो अब हम आगे जो सभी हमें टॉपिक्स या कहूँ मैं कोर्स या फिर सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो आज मैं आपके लिए फार्म स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स के जो क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके लिए आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आप वीडियोज़ को शुरू से एंड तक देखें। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमको हिंदी में बताइए, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, मैं जो कंटेंट है मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ। बाकी हिंदी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको प्योर हिंदी में मतलब कि ये लिखूँ या फिर बताऊँ। मैं आपको समझा देता हूँ कि हिंदी में आपको समझ में आए और इंग्लिश में, दोनों में ही अच्छे से आपको समझ पाओ दोनों में ही। तो देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कंटेंट हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जो ये सारी सामग्री है वो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही है। तो खैर, चलिए मैं आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को अच्छे से सुने, प्रॉपर तरीके से एंड तक देखें, सुने बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टार्टिंग मैंने लिख रखा है, तो यही नहीं कि ये सब आप पढ़ लें उसका देख लें तो उसको समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लें। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। तो प्रॉपर तरीके से समझें कि जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज हम फार्म स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स। फार्म स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दूं कि फार्म स्ट्रक्चर्स जैसे हमारे डेयरी वान हुआ या फिर हमें फेंसिंग करनी हुई, मान लिया हमारा कोई, हमने फार्म हाउस बनाया इस टाइप से। अब फार्म हाउस के अंदर हम एक साइड में हम अपना एनिमल्स के लिए बनाएंगे, एक साइड में अपना हम हाउस भी बनाएंगे जहाँ रहेंगे, और एक साइड में हम कोने पर या उसके सेंटर में हम पानी के लिए उसका सोर्स रखेंगे, और बाकी एक एंट्रेंस गेट भी रखेंगे। तो कहने का मतलब है, ओवरऑल हम फार्म स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ उसकी जो स्पेसिफिकेशन है होनी चाहिए उसके बारे में, बाकी बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि मैं समझा पा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ सन द रेजिडेंट शुड फेस टूवर्ड्स। देखिए, जो हमें सूरज का फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारा जैसे मान लिया हमने कोई फार्म हाउस, जैसे हम फार्म हाउस कहते हैं या फिर हम अपना फार्म बोलते हैं कि भाई हमारा फार्म है, हम वहाँ पर हमारे जानवर पलते हैं या फिर हम खेती करते हैं जो भी, तो उसमें जो तुम्हारा घर हो तो उसका जो फेस है वो किस साइड में होना चाहिए। जैसे ये घर है तो इसका जो फेस है वो किस साइड में होना चाहिए, तो वो आपका नॉर्थ में या साउथ में होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ में या साउथ में होना चाहिए। और नॉर्थ, अगर ऑप्शन दोनों मिलते हैं तो आपको नॉर्थ लगाना है, ठीक है। और इन दोनों में से अगर दोनों ही मिलते हैं तो नहीं तो आपको नॉर्थ मिलेगा या साउथ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मिनिमम साइज ऑफ बेडरूम शुड बी, जो उसके अंदर आप हाउस अपने लिए रहने का बनाएंगे उसके लिए बेडरूम का साइज 4.5 × 3.6 मीटर होना चाहिए, ठीक है। टैंक कैपेसिटी आपकी 2.8 मीटर क्यूब होनी चाहिए, 2.8 मीटर क्यूब कैपेसिटी जो आप टैंक पानी वाला भरेंगे, ठीक है। और नॉट स्मॉलर देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, देखिए टैंक की कैपेसिटी, जो पानी की टंकी रही होती है उसकी कैपेसिटी है 2.88 मीटर क्यूब, हिंदी में बताता हुआ जा रहा हूँ आपको। नॉट स्मॉलर देन, छोटा कितने से नहीं होना चाहिए, 2.1 मीटर क्यूब से आपका छोटा टैंक नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी वॉल्यूम दे रखी है, आयतन, आयतन मतलब पानी की टंकी में कितना आयतन आएगा पानी का, वो चीज़ लिख रखी है मैंने, कितना होना चाहिए आयतन 2.8, और इस किससे कम नहीं होना चाहिए 2.1 से। एडिशनल अगर कोई मेंबर एक्स्ट्रा आ जाता है या उसके लिए हम रखते हैं तो वो 0.42 मीटर क्यूब, मतलब कहने का मतलब है एक पर्सन मिनिमम जो वाटर यूज़ करता है पर डे का 0.42 मीटर क्यूब यूज़ करता है, ठीक है। जो हमारा फार्म होगा उसका जो स्लोप का वेरिएशन रहता है वो रहता है आपका 0.25 to 0.40, 0.25 से 0.40%, ठीक है, स्लोप जो आपका फार्म हाउस है ये उसका स्लोप, ठीक है। वूवन वायर यूज जनरली इन फार्म हाउस, देखिए वूवन वायर होता है ये मैक्सिमम होता है जो आपका फार्म हाउस में यूज़ होता है, होने को आपके और दूसरे वायर्स भी होते हैं, जो बारबेड वायर हो गया, इलेक्ट्रिक वायर हो गया और प्लेन वायर हो गए, वो सारे वायर हो गए जो जनरली फार्म हाउस में यूज़ करते हैं, वो आपका वूवन वायर होता है जो कि फार्म हाउस में जनरली यूज़ होता है अपने इंडिया के अंदर। देखिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टेंशन वान आपका 40 मीटर का हो सकता है मैक्सिमम। स्टेंशन वान में एक चीज़ और ख़ास बात होती है, जो आपका स्टेंशन वान होगा इसके अंदर हम जैसे जानवर वगैरह भैंस गाय ये सब पाल रखते हैं, तो स्टेंशन बांध के अंदर आपका जानवरों के रहने का प्लस
उसी के अंदर आपका मिल्क निकालने का, जानवरों का मिल्क निकालने का दोनों का ही प्रोविज़न उपलब्ध कराया जाता है। तो बात रखिए, ये याद रखिए कि एक्सटेंशन वन के अंदर जानवर भी और प्लस आपका दूध निकालने का काम एक साथ होता है, वो कवर्ड होता है ऊपर से, ठीक है। द विड्थ ऑफ मैंजर, मैंजर जहाँ चारा खिलाते हैं जानवरों को, उसकी होनी चाहिए 75 to 90 सेंटीमीटर, जिसे हिंदी में शायद मेरे ख्याल से बोला जाता है, जो आप देखा होगा चारे में बड़ी सी नान नान टाइप से जो होती हैं, वो तो नान जो होती है तो उसे मैंजर बोलते हैं। उसकी जो होनी चाहिए जनरली हम फार्म में यूज़ करते हैं 75 to 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्म स्टीड आट एरिया ऑफ टोटल फार्म वेरीज, देखिए जो आपका फार्म एरिया है, जो टोटल फार्म एरिया का कितना, जो फार्म स्टीड एरिया है आपका, जो टोटल फार्म एरिया से कितना वेरीज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5% वेरी कर सकता है बस, ठीक है। वान टू मिल्क रूम, जो आपका वान है जहाँ आपके जानवर बंधे हुए हैं, और जो मिल्क रूम है जहाँ आपको दूध निकालना है, उससे उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर, ठीक है। वूवन वायर स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल, वूवन वायर जो ऐसे करके, ये वूवन वायर की जो स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये तो है, अब ये बीच की दूरी आई ना, तो ये आपकी कितनी वेरी हो सकती है, 7.5 to 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 से 22.5 सेंटीमीटर के बीच में ये स्पेसिंग रहती है, ठीक है। क्लोज मैच टाइप वायर फेंस आपके किस में यूज़ होते हैं, पोल्ट्री में, रैबिट और गोट के लिए। पोल्ट्री जो आपके मुर्गी पालन होता है, रैबिट पालन और गोट मुर्गी बकरियां जो पालते हैं, इनके लिए हम क्लोज मैच टाइप फेंस यूज़ करते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा आपका वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है मुर्गी छोटी होती हैं, रैबिट भी छोटे होते हैं निकल जाते हैं, और बकरियां भी ये छोटी जगह से निकलने में निकल जाती हैं ईजिली, तो उनके लिए हम क्लोज मैच टाइप फेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। वार्बिट वायर फेंसिंग का जो स्पेस रहता है, वार्बिट वायर जैसे मैंने था ना वूवन वायर, ऐसी वार्बिट वायर होता है आपका, तो उसकी जो स्पेस रहता है ये आपका रहता है 7.5 to 15 सेंटीमीटर, और जो इसमें वायर यूज़ होता है वो आपका 14 गेज का यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग का जो वोल्टेज रहता है वो रहता है 6000 से 15000 वोल्टेज के बीच में, इस चीज़ को याद रखिए, और इसमें जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है, चीज़ ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। द हाइट ऑफ गेट फॉर्म, जो मैंने ये फॉर्म बनाया था, इसका जो हाइट रहेगी गेट की वो रहेगी, देखिए आपकी कम से कम इतनी तो रहनी चाहिए, 5 मीटर, 5 मीटर से कम नहीं, क्योंकि आप उसमें ट्रैक्टर भी लाएंगे और जो आपके बड़े बड़े इम्प्लीमेंट है वो भी लाएंगे, तो उसके लिए कम से कम 5 मीटर उसकी हाइट रखी जाती है, ठीक है। द कॉमन साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया, देखिए कॉमन साइज जो ईंट होती है, ईंट का जो जो कॉमन साइज इंडिया में मिलता है 22.5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे कि भाई ये भी तो होता है, 20, 10 into 10, 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और इसे और सुना होगा आपने 19 into 9 into 9, ये भी होते हैं, ठीक है। देखिए ये स्टैंडर्ड साइज़ हैं ईंट के, दोनों ही ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं इंडिया में, दोनों ही यूज़ करते हैं। अगर देखिए जो कॉमन साइज़ अगर पूछेगा ईंट का पूरे ऑल ओवर इंडिया का, तो कॉमन साइज़ आप ये यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड साइज़ में आप 20, 10, 10, 9, 19, 9, 9 ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ सन द रेजिडेंट शुड फेस टूवर्ड्स, जो आपकी सन की दिशा होनी चाहिए आपके फार्म हाउस के किस दिशा में होनी चाहिए, नॉर्थ या साउथ में होना चाहिए। जो आपका मिनिमम साइज बेडरूम का कम से कम जो हो 4.5 into 3.6 मीटर तो हुई हो, टैंकी कैपेसिटी 2.8 मीटर क्यूब होनी चाहिए, और किससे कम नहीं होनी चाहिए, 2.1 मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति आता है तो उसके लिए 0.42 मीटर क्यूब एडिशनल रखी जाती है। जो आपका फार्म है उसका स्लोप 0.25 to 0.40% का रहता है। वूवन वायर आपका जनरली यूज़ होता है इंडिया में, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक्सटेंशन वन की 40 मीटर हो सकती है। इसके अंदर आप काओ को और जहाँ आपका मिल्किंग पार्लर जहाँ पे दूध निकालते हैं वो दोनों एक ही जगह होते हैं और कवर्ड होता है। विड्थ ऑफ मैंजर 75 to 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी। द फार्म स्टीड एरिया ऑफ टोटल फार्म वेरी, देखिए जो आपका फार्म स्टीड एरिया है टोटल फार्म का, जो टोटल फार्म से कितना वेरी करता है, 3 to 5% वेरी करता है। वन टू मिल्क रूम, जो डेयरी बार ने आपका उसका मिल्क रूम जहाँ पे आप दूध निकालते हैं और जहाँ पे आपके जानवर बंधे हैं उसके बीच की दूरी 6 मीटर होनी चाहिए। वूवन वायर स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल वूवन वायर हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, तो 7.5 to 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लोज मैच टाइप फेंस आपका कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपका यूज़ करते हैं पोल्ट्री में, रैबिट में और गोट के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाते हैं कि जानवर निकल ना पाए। बार्बेड वायर फेंसिंग का जो स्पेस रहता है वो रहता है 7.5 to 15 सेंटीमीटर, और जो वायर यूज़ होता है 14 गेज का होता है। इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग में जो वोल्टेज यूज़ होती है 6000 से 15000 वोल्ट होती है के बीच में होती है, और इसमें करंट को कंटिन्यू फ्लो नहीं कराते हैं।
द हाइट ऑफ जो फार्म गेट की हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 5 मीटर तो होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया ये आपका रहता है, बाकी का स्टैंडर्ड साइज के लिए 20, 10, 10 और 19, 9, 9। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपका मैं स्टेप बाय स्टेप कराता जा रहा हूँ। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।